एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इसी तरीके से खुश रहें, आबाद रहें। तो जो है ना, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। मैं आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। सो जो है ना गाइज, आज का सीन कुछ ऐसा है। अभी हम लोग जो है रेडी वगैरह हो चुके हैं। अभी हमने जाना है खाला के घर। हमारी इफ्तार की जो है वो दावत है, मीन्स की इफ्तार पार्टी, वही समझ लें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाला के घर, और सैटरडे संडे हम लोग फ्री थे तो हमने सोचा घर बैठ के क्या करेंगे, वैसे भी बोर हो जाते हैं घर बैठ के। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं खाला के घर और जो है ना वही रुकेंगे, फिर संडे की शाम को आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं वहीं। रेडी हो चुकी हूँ मैं तो बिल्कुल, और जो है ना अभी बाकी सिस्टर्स रेडी हो रही हैं, वो लोग होती हैं, और फिर हम चलते हैं खाला के घर और फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ की पार्टी कैसी रही। और आगे भी इस ब्लॉग को बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन रेडी हुआ है, क्या सूरत हाल है, और जो है ना फिर चलते हैं, फिर बताते हैं। वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? तो गाइस, सबू का बुखार है, इसके लिए सबने दुआ करनी है। अभी हम रेडी हो गए, तैयार हो चुकी हो? चले चलो चले, अभी हम चलते हैं। मम्मा लोग भी आ चुके हैं तो वहीं पहुँच के फिर आपको बताएंगे। हम लोग जो है रवाना हो चुके हैं और लगता है कि लेट हो जाएंगे। क्या लगता है मैम आपको? है ना, है पप्पू? पप्पू कहाँ जा रही हो? पप्पू कहाँ जा रही हो? वाओ माय मा, ब्रेन कैसी हो? हेलो गाइस, तो कहाँ पे जाएं? आप देखते हैं अगर रास्ते में होगा पार हो गया तो चलते हैं, फिर वहीं पहुंच के फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बाय, चलते हैं छोटी सी ब्रेक पर। फाइनली जो है लियारी छत्ते से पहुंच चुके हैं क्योंकि मेरी खाला यहीं पे रहती है। मैमा बताओ, लेट हो गए ना बहुत ज्यादा? हाँ, हम लोग बहुत लेट हो गए, इसकी वजह से जो है ना अभी जा रहे हैं। गाइस, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तुम पहले आ गए थे? यहाँ पे इन्होंने जो है आग जलाई है। ये मम्मा है, ये है हमारे चाचू की क्लीनिंग। सो चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और यहाँ पे ये क्लीनिंग है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आओ, तो यहाँ पे भी हम सामान रखते हैं अपना। क्या है नानी? नानी की तबीयत खराब है। आज यहाँ पे मुस्कान, क्या बना रही हो? चावल बना रही हो? इतना लेट क्यों हो गई? हमने तो कब से फोन किया था आप लोगों को? अफ्तारी का है, आपको भी रोजा था? हाँ ना, मैं तो सब रख रहा हूँ। मैं रूफे में सारे रोजे रख रहे हैं। तो चाचू यहाँ पे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है दा? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आपने तो इंतजार ही नहीं किया हमारा, अफ्तारी भी कर ली। हम तो इंतजार कर करके थक गए। इंतजार के 10 मिनट पास वाले सब बेटा, क्या हाल है? किसी देर बैठे रहे, आप आए नहीं तो क्या करें? फिर भी थोड़ा और इंतजार करते रहा। चलो भाई, चाय बना रही हम सबके लिए। नूर अच्छी चाय बना रहा है, वरना तरफा नहीं मिलेगी तुम्हें। और अनिका यहाँ पे जो है ये काट रही है। क्या काट रही है अनिका? और वो चावल है। गाइस यहाँ पे सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। चाचू अपनी कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए लारा मजनू लगी हुई है एक दूसरे के साथ। चावल तैयार हो चुके हैं और अभी खाना खा रहे हैं रूफ भाई। जय, आप कैसे बने? जबरदस्त अच्छे बने, लेकिन मुझे दिल नहीं कर रहा तो हम लोग जो है कुछ और मंगवाएंगे बाहर से। रूफ भाई क्या मंगवा के देंगे? रूफ भाई ने बोला मैं मंगा के दूंगा गोलगप्पे बर्गर। वाओ, क्या बात है, क्या बात है बोनस की।
तो गाइस अभी देखते हैं, सुशांत का वेट कर रहे हैं, वो आएगा यहाँ से तशरीफ लाएगा फिर वो लेकर आएगा, और अगर कुछ ना मिला तो फिर क्या होगा पता है ना आपको। आ जाएगा, आ जाएगा लेने गया वो। सही है, ठीक है, चाकू यही रखा है। आपको कैसे लग रहे हैं चावल? हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे बने हैं। और ये देखो ये सारा सामान, आप तो क्लीनिंग में होते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? बस अभी छुट्टियां ना इसलिए घर का भी नहीं खोला। और यहाँ पे तो सब कुछ बंद करके बैठे। सही, देखते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या करना है हमने। जिशान का वेट हो रहा है, वो आएगा और फिर डॉक्टर का बेटा, इसको कुछ ज्यादा भूख लगी थी। ये खुद पूरा परात लेकर आके खाने के लिए। क्या नाम है इसका? रोहान। ज्यादा भूख लगी है आपको? हाँ बोल रहे। तो भैया अब हो चुका है बच्चों के खाने का टाइम, तो यहाँ पे अनिका लोग और तूबा लोग खाए थे, तो मैंने चलो तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई मुझे भी जो है टेस्ट करवा दो, मैं भी देख लेती हूँ थोड़े से। जब मैंने टेस्ट किए तो इतने मज़ेदार थे, अनिका भी तारीफ़ करी थी चावलों की, बहुत यमी बने हुए थे। तो जो है ना फिर हमने खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े क्लिनिक पर, क्योंकि मेरे चाचू ने नई क्लिनिक खोली है तो वो मैंने देखी नहीं थी। तो हम चाचू ने कहा चलो भाई आप सब लोगों को विज़िट करवा कर आते हैं अपनी क्लिनिक का। तो यहाँ पे हमारे पास साथ तीन बाइक्स थी, जा रही थी, हम लोग तीन बाइक्स पर थे और जो है ना बहुत मज़ा आया था। रात का टाइम था, हवा चल रही थी, हम लोग क्लिनिक जा रहे थे, मेरे साथ खाला बैठी थी और बाकी बाइक्स पर वो लोग बैठे थे। तो जब हम लोग जाने लगे क्लिनिक और फिर वहीं पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली जो है हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये है चाचू लोगों की क्लिनिक और अभी हम अंदर चल के फिर आपको विजिट कराते हैं पूरा। तो जो है ना क्लिनिक विज़िट करने के बाद हम लोग घर जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में हमने कहा कि हमें रुकना है और हमें कुछ सामान वगैरह लेना है खाने की चीज़ें, क्योंकि हमने रात बैठ के लूडो खेलनी है। तो यहाँ पर मैं विज़िट करी थी और इतना मज़े मज़े की चीज़ें थी, तो फिर हमने जो है उठाए कुछ बिस्किट्स, केक और बंटियाँ वगैरह, क्योंकि लग तो सब कुछ बहुत यमी रहा था, बट जो है ना हमें अपने अमाउंट के हिसाब से लेनी थी, तो दैट्स वाई जो है ना फिर हमने उठाई चीज़ें और फिर हम लोग निकल पड़े घर के लिए और फिर घर चल के मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमने लूडो स्टार्ट कर दी और जो है खेलते खेलते पता नहीं चला, इतना मज़ा आ रहा था, दिल भी नहीं कर रहा था उठने का। और जो है ना फिर बस सहरी का टाइम हो गया, फिर हम लोग उठे, सहरी वगैरह बनाई की और फिर हम सो गए। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज़।